शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय में फ्री ग्रुप दे रहा है उचित सुविधाओं के साथ गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा। डॉलिस पब्लिक स्कूल बल्केश्वर आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा, AVMG इंस्टीट्यूट ग्राम सवाई अस्मतपुर आगरा। समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, साइंस लैब, लाइब्रेरी और स्टूडेंट्स के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विषय की सुविधा दी जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिक प्री ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। प्रवेश प्रारंभ, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9897189067 व 9412395795। योगी सरकार के आदेश के अनुपालन में रसद एवं खाद्य विभाग शासन उत्तर प्रदेश ने सरकारी राशन वितरण में बदलाव किया है। DSO आगरा संजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशानुसार जून माह से गरीब पात्र कार्ड धारकों को वितरण किए जाने वाले राशन वितरण में बदलाव किया गया है। जून माह के राशन वितरण में PMGKY के तहत पात्र कार्ड धारकों को 5 किलो चावल प्रति यूनिट वितरण किया जाएगा। सरकार ने मार्च 2023 तक PMGY के और NFSA के तहत वितरित होने वाले राशन में फेरबदल किया है। आगामी जुलाई माह से मार्च 2023 तक पात्र कार्ड धारकों को NFSA के अनुसार 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल एवं PMGY के तहत 5 किलो चावल प्रति यूनिट मिलना सुनिश्चित किया गया है। जबकि यह विदित है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता खाने में चावल कम खाती है। ये वितरण के संबंध में हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा स्केल था वो तो वही है, लेकिन खाद्यान्न में परिवर्तन हो गया है। जो PMGKY योजना है इसमें अब केवल और केवल चावल का वितरण कराया जाएगा। प्रति यूनिट 5 kg चावल मिलेगा। पहले गेहूं और चावल दोनों मिलता था, लेकिन अब केवल चावल का वितरण होगा। और जो हमारी NFSA योजना है उसमें भी परिवर्तन किया गया है। उसमें पहले 3 kg गेहूं और 2 kg चावल प्रति यूनिट मिलता था। आगामी जून महीने से लेकर और मार्च 2023 तक अब 3 kg चावल और 2 kg गेहूँ मिला करेगा। तो ये एक परिवर्तन आया है जो समझिए कि इस महीने से लागू हो रहा है, क्योंकि अभी हमारा PMGKY बट रहा है 19 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, इसमें केवल चावल दिया जा रहा है। आपात कार्ड धारकों से रिकवरी करने और आपात कार्ड धारकों से राशन कार्ड सरेंडर करने के योगी सरकार के बयान के बाद समूचे उत्तर प्रदेश में अच्छे खासे राशन कार्ड सरेंडर किए गए हैं, जिसका लाभ सरकारी राशन वितरण योजना से वंचित गरीब पात्र कार्ड धारकों को मिलेगा। DSO संजीव कुमार ने बताया कि लगभग 3000 आपात कार्डों को कैंसिल किया गया है। राशन कार्ड के संबंध में हम बताना चाहेंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये इसका एक लिमिट तय है। शहरी क्षेत्र में 64%, ग्रामीण क्षेत्र में 79%, तो हम उससे ज़्यादा राशन कार्ड नहीं बना सकते। और चूँकि सब्सिडी का मैटर है तो सरकार ने अभी इस लिमिट को भी नहीं बढ़ाया है ऑलरेडी। तो ऊपर से ये आया था, आदेश आया था कि जो भी अपात्र हों अपना कार्ड चाहे तो सरेंडर कर दें। इसके लिए हम लोग प्रेस विज्ञप्ति वगैरह के माध्यम से सूचित उनको किया गया था। तो इसका एक अच्छा असर पड़ा था और काफ़ी करीब 3000 के आसपास आपात्र लोग आए जिन्होंने अपना अपना कार्ड सरेंडर किया। इसके साथ साथ हम यह भी बताना चाहेंगे कि अभी राशन कार्ड के सत्यापन का काम शासन के आदेश पे चल रहा है। इसके लिए हर एक गाँव में टीमों का निर्माण कर दिया गया है, जिसमें लेखपाल, सेक्रेटरी वगैरह शामिल हैं। तो उनको यह निर्देश दिया गया है कि वह गांव-गांव में घूमें और देखें, मतलब जो भी उनको गांव ऑथराइज किया गया है उसमें, कि कौन से अपात्र हैं व्यक्ति और कौन से पात्र हैं। यदि कोई अपात्र है तो उसका राशन कार्ड ये निरस्त करने के लिए संस्तुति करेंगे, और यदि कोई पात्र है जो छूटा हुआ है, जिसका राशन कार्ड आज तक नहीं बना है, उसका राशन कार्ड बनाने के लिए संस्तुति करेंगे। तो जो जगह हमारे पास बनेगा उसके अकॉर्डिंगली हम राशन कार्ड काटेंगे भी और राशन कार्ड बनाएंगे।
पिछली बार भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को सरकार एक बार चावल वितरण करने का अनुभव ले चुकी है, जिसके चलते गरीब पात्र कार्डधारकों को अपना चावल बाजार में बेचना पड़ा था और चावल की कालाबाजारी खूब देखने को मिली। इस बार अपेक्षा से कहीं ज्यादा चावल गरीब पात्र कार्डधारकों को मिलने वाला है। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।